आज हम इस लेक्चर में रिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने किया था इंटीग्रल डोमेन के बारे में कि रिंग इंटीग्रल डोमेन कब होता है, तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ रिंग के साथ यदि सेटिस्फाई करता है दिया गया सेट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशंस तो वो इंटीग्रल डोमेन बनता है। और यहाँ हम करेंगे कि अपने पास जो रिंग है वो और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, वो अपने पास एक फील्ड बने, तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन दोनों हो जाएंगे, तो फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों से एक दूसरे से कैसे अपन बात कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो अभी पहले अपन कर रहे हैं कि अपने पास एक रिंग आर है, वो रिंग फील्ड एफ कैसे बनेगा। तो फील्ड एफ बनेगा यदि रिंग है, यानी रिंग की सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती ही होती है। पहले ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पर वो रिंग बना। अब वो रिंग यदि ये और तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो तीन में से एक प्रॉपर्टी होगी अपने पास ये कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि हमारे पास सेकंड ऑपरेशन के लिए यदि एफ के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ऑपरेशन ए बी बिलोंग्स टू एफ, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम ये कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अगली है अपने पास जो रिंग है वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, तो इसके लिए अपने पास ये सिद्ध करना पड़ेगा अपने को कि कोई एक एलिमेंट एफ में ऐसा एग्जिस्ट करे कि वन इंटू ए ए इंटू वन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एफ के हर एक अवयव के लिए यदि अपने पास एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको उस एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में गुणा करने पर भी वो सेम एलिमेंट आता है, तो हम कहते हैं कि रिंग विद यूनिटी। तो दो प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिविटी और रिंग विद यूनिटी, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन के लिए भी थी। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, एफ का प्रत्येक शून्यतर अवयव जो स्वयं शून्य नहीं है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। यानी क्या, यदि ए बिलोंग्स टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी या बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यदि ये प्रूव हो जाता है तो अपन ये कहते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यदि इनवर्स प्रूव हो जाता है तो अपन कहते हैं कि रिंग के साथ साथ यदि तीन प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई होंगी तो वो अपने पास एक बन गया फील्ड। एक परिभाषा रूप में कह सकते हैं कि एक रिंग आर को हम फील्ड कह सकते हैं यदि सेकंड ऑपरेशन के लिए यह क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करता हो, इसके अंदर सेकंड ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व हो और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो एस शून्यतर अवयव जो है एफ के अंदर है उसका सेकंड ऑपरेशन के लिए प्रतिलोम का एग्जिस्टेंस हो तो वो रिंग है, वो रिंग फील्ड बन जाएगी। छोटे के रूप में अभी अपने इसको समझें तो क्या क्या होना चाहिए अपने पास, कि एफ है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन, एफ है वो अपने पास एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑपरेशन, क्योंकि एबिलियन वाली प्रॉपर्टी इसमें और जुड़ गई, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट एंड राइट होना ही है, तो ये तो रिंग के लिए भी आवश्यक था। तो कुल मिला करके अपने पास यदि पाँच ये पाँच इसकी और दो ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई, कुल मिला करके 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशंस जो अपने पास दिया गया सेट है वो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल्स दो देखें तो अपने पास ये हो गया, एक तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये अपने पास रिंग के साथ साथ फील्ड भी होते हैं। अब इसके अंदर एक और डेफिनेशन आती है जिसको अपने को ध्यान से समझना है, वो है रिंग के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, तो वो रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कहलाएगा तस्मिक रिंग में एकक अवयव। एक नया नाम आया है, दैट इज एकक अवयव। एकक अवयव क्या होता है, यूनिट एलिमेंट्स इन द रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी है इसका मतलब सेकेंड ऑपरेशन के लिए उसमें आइडेंटिटी तो है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको अपन कहेंगे एकक अवयव। एकक अवयव क्या हुआ कि एक रिंग आर एक तत्समकी वलय है, इसका मतलब सेकंड ऑपरेशन के लिए उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तथा एक उसकी द्वितीय संक्रिया का तत्समक है, तब कोई अवयव ए बिलोंग्स टू आर,
एकक अवयव कहलाता है यदि बी बिलोंग्स टू आर, एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि ए बी का गुणा करने पर, ए बी में सेकंड ऑपरेशन लगाने पर यदि रिजल्ट हमारे पास एक आता है तो जो पहला एलिमेंट ए था ये एलिमेंट कहलाता है उसका रिंग का एकक अवयव। ये एक थोड़ी सी नई प्रकार की परिभाषा हो गई। तो इसमें अपने को क्या देखना है कि अपने पास सेकंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी किस, एक एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू आर एकक अवयव कहलाएगा यदि आर में एक और कोई ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता हो, ए और बी के बीच में सेकंड ऑपरेशन लगाने पर रिजल्ट अपने पास कितना आता हो, एक, तो वो ए है वो उसका कहलाएगा एकक अवयव। इसका एग्जांपल अपन देखें तो ये देखिए अपने पास ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 सेट है और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 में प्रत्येक अशून्य अवयव एक एकक अवयव है क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर एक आया, दो को तीन से किया तो छः, छः को पाँच से भाग दिया तो रिमाइंडर नॉन जीरो शून्यतर जो शेष पल है वो कितना एक, चार को चार से गुणा किया तो कितना होगा 16, 16 को पाँच से भाग दिया तो वापस शेष पल एक। तो इसका प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कोई भी अपने पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है उस हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का एक एकक अवयव एग्जिस्ट करता है, एकक अवयव। इसी प्रकार जो सेट अपने पास है जेड प्लस और माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट में रिंग है तो इसमें केवल दो ही एलिमेंट है जिनके एक एक अवयव एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन है वो एक और माइनस एक। क्यों? क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे आंसर हमारे पास एक आएगा, माइनस वन को माइनस वन से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी हमारे पास एक आएगा। तो जिन्हीं दो एलिमेंट को गुणा करने पर जो ऑपरेशन लगाने पर यदि एक आता है तो जो पहला एलिमेंट है वो उस रिंग के लिए एकक अवयव कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेट है जो जिसके अंदर केवल दो ही एकक अवयव हो, तो अपन कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो तो अपने पास उसमें केवल दो ही एकक अवयव होते हैं, वो है हमारे पास एक और माइनस एक। इसको और समझें, अपन एक थ्योरम करते हैं कि किसी तत्सम की वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक समूह होता है। क्या हो गया अपने पास सेट, क्या हो गया, एक रिंग दे रखा है, उस रिंग के अंदर जो जो उसके एकक एलिमेंट्स हुए उन एकक एलिमेंट्स का कलेक्शन किया और उनका जो कलेक्शन करने पर आया तो वो कहते हैं वो हमारे पास एक विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑपरेशन एक ग्रुप होगा। तो अब इसका प्रूफ के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले मान लें आर एक तत्सम की वलय, आर एक रिंग है, रिंग विद यूनिटी। तो जैसे हम कहते हैं कि आर रिंग है तो जितनी ऑपरेशंस इसकी बात हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन एबिलियन ग्रुप, सेकंड ऑपरेशन के लिए अपने पास सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिविटी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होंगे, इसके साथ साथ उसमें आर एक तत्सम की वलय इसका मतलब सेकंड ऑपरेशन के लिए उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी है। तो ये तो अपन ले करके चले, इसमें क्या देखना है अपने को, तो यदि मान लीजिए अपने S को एक मान लिया कि S वले R के सभी एककों का समुच्चय है, यानी S उन अवयवों का कलेक्शन किया है जो अपने पास एकक अवयव हों। एकक अवयव माने अभी आपको जो समझाया था कि A belongs to R such that R में एक B element ऐसा हो कि A second operation B result is one, तो ऐसे A हो, उन सब A को हमने ढूंढ लिया और A को ढूंढने के बाद एक कलेक्शन किया और वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन हो गया हमारा S। इस S को अपने को ग्रुप प्रूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ढूंढें कि इसमें कोई एलिमेंट है भी कि नहीं, तो क्योंकि ए R रिंग विद यूनिटी है तो वन बिलोंग्स टू R, एक R में है, एक आर में है, तो अपन जानते हैं कि वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो अब वन इंटू वन इज इक्वल टू वन आने का मतलब ये हो गया कि जो वन है वो आर में तो था लेकिन एस में भी हो गया, तो एस एटलीस्ट अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब नॉन एम्प्टी सेट भी हो गया और एक चीज़ और साथ साथ में होगी, वो ये होगी कि एस में एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी मिल गई क्योंकि वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब अपन क्या करेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू एस, अब चूंकि ए बी एकक अवयव है क्यों दोनों एस में हैं, तो एस में केवल वही एलिमेंट है जो एकक अवयव है। अब ये एकक है इसका मतलब ए के लिए भी एस में एक ऐसा एलिमेंट होगा और बी के लिए भी एस के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जब ए को उस एलिमेंट से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर एक आएगा, बी को जिस एलिमेंट से गुणा करेंगे उसका भी एक आएगा। तो मान लीजिए कि अब एस के अंदर सी और डी दो ऐसे अवयव हैं
जो ए को सी के साथ लेने पर ए सी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सी ए, और बी को डी के साथ लेने पर बी डी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू डी ए। यही अपने को इस थ्योरम को प्रूव करने का बेसिस है। क्या था कि माना, सबसे पहले हमने प्रूव किया कि ए इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी आ गया, वन बिलोंग्स टू एस होने के कारण। अब नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए वो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ए और बी एस में हैं, इसका मतलब ए और बी एकक अवयव हो गए। एकक अवयव होने का मतलब यह, इनके साथ एस के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट और होगा जिसके साथ ऑपरेशन करें तो आंसर हमारे पास एक आएगा। तो मान लीजिए वो एलिमेंट हैं सी और डी, तो वो अपने को देते हैं ए सी इज इक्वल टू वन एंड बी डी इन इज इक्वल टू वन। तो ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि ए बी एस के एलिमेंट हैं, सी और डी बी एस के एलिमेंट है, इसको यदि अपन ऐसा लिखें ए बी इंटू डी सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटू बी डी सी। अब यहाँ से अपने पास आ गया बी डी इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया ए इंटू वन सी, तो ये हो गया ए सी, और ए सी का मान यहाँ से हो गया वन, तो ए सी वन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इंटू डी सी का मान किया और वो भी हमारे पास एक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए बी भी एक अवयव हो गया, ए बी भी एक एक अवयव है, और ए बी एक अवयव है का मतलब है ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी एस का पार्ट हो गया। अब नाउ ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब वापस चलें अपने पास ए सी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मान एक आ रहा है, इसका मतलब जो ए तो एस का एलिमेंट था ही था, तो सी का मान कितना होगा, सी का मान ऐसा होगा कि जो ए का इन्वर्स है, तो सी ए का इन्वर्स है तभी इसका मान एक आया, तो अपन लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और सी इज इक्वल टू ए इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि ए एकक अवयव है, और इसका जो ए एकक अवयव था उसका इन्वर्स भी एस के अंदर है, तो एस के प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास इन्वर्स भी उसमें हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिविटी को किया, और एसोसिएटिविटी तो अपन वैसे भी अपन कह सकते हैं कि ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी शुरुआत में ही दे रखी है, आइडेंटिटी है तो ही एक एक अवयव वाली बात करेंगे। फिर अपने कह दिया एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, इनवर्स भी हो गया, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हो गया, गुणन संक्रिया आर में सहचारी भी है, अतः एस में भी सहचारी होगी। परिणाम तक क्या हुआ, एस अपने पास चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो एस अपने पास हो गया ग्रुप, जो अपने को प्रूव करना था, क्योंकि हमें प्रूव ये करना था कि कोई एकक अवयव का जो समूह है वो सेकेंड ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो इस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि जो एस है, एस आर का सेट है, आर का सबसेट कह लीजिए, आर के उन एलिमेंट्स का सेट है जो एकक अवयव हैं, और एकक अवयव का समूह बना एस, और ये चारों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, तो ये कह सकते हैं कि जो एकक अवयव का समूह है वो एक गुणा के रेस्पेक्ट में